Dear students, how are you all? I hope you all are good. And this video I have brought it to you and for you. And this video is for your class 9th students. And we have the subject mathematics. And chapter हम आज से दूसरा start करेंगे जिसका नाम है polynomials. क्या है chapter का नाम? Polynomials. I think ये आपको वर्ड अभी फर्स्ट आप 9th क्लास में हो ना तो मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर ओके कमिंग अक्रॉस विद दिस नेम एंड ओके दिस एंड अभी इस वीडियो से मैं कैसे ऐसे कोड वर्ड बोलूँगा कि ये कौन सा वीडियो है C2 मतलब चैप्टर 2 है ये और पार्ट 1 है मीन्स P1 C2 P1 अगर आया तो ये क्या रहेगा चैप्टर 2 पार्ट 1 अगर चैप्टर 2 पार्ट 2 रहेगा तो C2 P2 ऐसे करके अब मैं नेम्स आएंगे तो ये हमारा आज का पार्ट 1 वीडियो है सो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ ये चीज़ को ठीक है यस सो लेट अस डील विथ आवर सेकेंड चैप्टर विच इट्स नेम इज़ पॉलीनोमियल्स आई थिंक यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन लाइक वट एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस ओके आपने एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस पढ़े होंगे किस क्लास में क्लास 8th में और वहाँ पे आपने सब्ट्रैक्शन भी पढ़े होंगे उनके एडिशन भी पढ़े होंगे फिर आप उसके मल्टीप्लिकेशन भी पढ़े होंगे इजंट इट और आप उसके डिवीजन भी पढ़े होंगे ऑब्वियसली और आपने ऐसे कुछ फॉर्मूलाज भी प्रीवियस क्लास में आपको मिला होगा x + a + x + y² + x² + y² + 2xy कुछ ऐसे फार्मूलाज भी आए होंगे x - y² के फार्मूला भी आपको मिला होगा x² - 2xy + y² या फिर कुछ ऐसे भी मिले होंगे x² - y² = what x + y x - y सो आप इन सब फार्मूला से इन आइडेंटिटीज से यू आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग और इसके जो यूज़ है फैक्टराइजेशन में दैट ऑल्सो वी विल सी ओके इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे व्हाट वी विल डू इन दिस चैप्टर वी शैल स्टार्ट आवर स्टडी विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ओके व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट पर्टिकुलर व्हाट टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये ए ई में किस लिए लिखा हूँ एल्जेब्रा ओके ये एल्जेब्रा का टॉपिक आता है पॉलीनोमियल्स एल्जेब्रा में आता है ये पॉलीनोमियल्स सो वी आर इंटेंडिंग टू सी मेनी टाइप ओके डिफरेंट पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ओके विच इज कॉल्ड एज व्हाट पॉलीनोमियल्स सो अभी आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन इफ समबडी विल आस्क यू व्हाट इज़ अ पॉलीनोमियल देन व्हाट विल बी योर आंसर इट इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ओके दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलीनोमियल एंड द टर्मिनोलॉजी इससे जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है दैट ऑल्सो वी विल सी वी शैल ऑल्सो स्टडी रिमाइंडर ओके आई विल टेक अनदर स्लाइड ओके आप इस पॉलीनोमियल चैप्टर जो है इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे आप इसका डिफिनीशन पढ़ने जा रहे हैं इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे आप रिलेटेड ओके टर्मिनोलॉजीज और फिर आप क्या पढ़ेंगे इसमें इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या What is remainder theorem? और another thing इसमें आप पढ़ने जा रहे हैं factor theorem. What is that? Factor theorem. So these two things is very much important. Okay, for this chapter, remainder theorem and factor theorem. और फिर इसका जो use आप करेंगे किसमें use in the factorization of polynomials किसमें फैक्टराइजेशन ओके ऑफ पॉलीनोमियल्स तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास ओके एट लास्ट जो टॉपिक आएगा फैक्ट
फैक्टराइजेशन ऑफ व्हाट पॉलीनोमियल्स। सबसे इम्पोर्टेंट कि हम कोई टॉपिक पढ़ना क्यों चाहते हैं, ओके क्या ज़रूरी है वो टॉपिक पढ़ना, वाई, एक बड़ा सा क्वेश्चन, क्यों, वाई दिस टॉपिक, ये मैं हमेशा आपको पूछता हूँ कि सर ये पॉलीनोमियल्स की ज़रूरत क्या है, क्योंकि बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में हम ऐसी घटनाओं से गुजरते हैं, ऐसे प्रॉब्लम से जहाँ पे हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, और वहाँ पे हम जब मैथमेटिक यूज़ करके हम उस चीज़ को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देन हमारे पास कुछ एलजेब्रा से रिलेटेड इक्वेशंस आएंगे, इट मे बी लीनियर इक्वेशंस, इट मे बी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और सो ऑन। तो इन दैट केस आपको वहाँ पे कुछ फैक्टराइज करना पड़ेगा उन सब को, सो इसीलिए फैक्टराइजेशन ऑफ सच पॉलीनोमियल्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो उस चीज़ को समझने के लिए कि वो फैक्टराइजेशन कैसे होता है, उसके लिए हमारे पास दो थ्योरम है। इन दैट फर्स्ट वी हैव रिमाइंडर थ्योरम एंड द सेकेंड वी हैव द फैक्टर थ्योरम। वी विल यूज़ इट, वी विल यूज़ दिस टू थ्योरम फॉर व्हाट, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स, वी विल यूज़ दिस टू थ्योरम फॉर द फैक्टराइजेशन। सो ये एप्लीकेशन भी हम इसको बोल सकते हैं, वी कैन से इनडायरेक्टली, सो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम एंड द फैक्टर थ्योरम। सो एवरीथिंग इज कम्स अंडर द पॉलीनोमियल। अभी तक मैंने पॉलीनोमियल स्टार्ट नहीं किया, अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन आई एम गिविंग। सो पॉलीनोमियल्स, अब देखिए यहाँ पे मैं इस स्लाइड को मैं हाइड कर देता हूँ, तो ये हमारा अभी इंट्रोडक्शन। जैसा कि आपको मालूम है कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, के एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ कुछ, लाइक 2x, 3x, माइनस x, माइनस 1/2x, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। ऑल दीज एक्सप्रेशंस जो भी है आर ऑफ द फॉर्म क्या है, कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है और इनटू एक वेरिएबल है। सो ये जो एक्स है वो क्या है, वो एक वेरिएबल है। मैं इसको डार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये एक्स क्या है, वो एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्या होता है, वी यूज़ मेनी लेटर्स लाइक एक्स, वाई, जेड, your p q r etc. many symbols we have, we use these symbols to denote the variables for what, denote the variables, or jo algebraic jo expression hota hai wo ek constant into ek koi ek variable aise iske multiplication mein hota hai, and we do not know what the constant is yahan pe this द कॉन्स्टेंट विच वी यूज़ हियर, वी डोंट नो वट द कॉन्स्टेंट वी आर गोइंग टू, बट इन थ्रू आउट द प्रॉब्लम द कॉन्स्टेंट वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। जो कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है वो थ्रू आउट द प्रॉब्लम रिमेन्स अनचेंज होता है, लेकिन जो एक्स की वैल्यू है वो चेंजेस उसमें आ सकते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन कीप चेंजिंग, वट the value of the variable can keep changing, but constant जो होता है वो remains unchanged, वो as it is होता है। so these are the expressions, जैसा कि आपको already previous that is 8th class में I think you all are aware of the algebraic expressions, so now we have, अगर देखिए आपके पास यहाँ पे एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एवरी साइड जो है वो 3 है, सो यू टेल मी कि इस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू क्या होता है, साइड होता है ना,
फोर इंटू साइड यही तो होता है मेरे ख्याल से। सो आप या फिर चारों को आप ऐड कर सकते हो, तो थ्री तो कितना हो गया यहाँ पे 12। कितना अगर सपोज़ ये मीटर में है तो 12 मीटर क्या हो जाएगा, ओके वट एवर जो इसका यूनिट होगा, ओके जो भी इसका यूनिट होगा वो इसकी ये हो जाएगी मीटर ना। अब देखिए, सो दिस इज़ ऑल द पेरीमीटर। नाउ अब देखिए, अगर आप इस पेरीमीटर को या फिर स्क्वायर ये जो है आपने इसको फोर कर दिया, ओके फोर कर दिया, इन दिस केस आपके पास फोर इंटू फोर कितना हो जाएगा, ओके 16 यूनिट हो जाएगा, वट एवर यूनिट यू आर यूजिंग, तो 16 यूनिट हो जाएगा। सो ओके नॉट ओनली दिस, अगर आपके पास क्या है एक दूसरा चीज, तो इसीलिए होता क्या है कि अगर मैं सबको x एक वेरिएबल ले लूँ तो हमारे पास इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। फिर हम x की वैल्यू चाहें कुछ जो कुछ भी अगर आप वैल्यूज देंगे एक्सेट्रा, आप इसमें ये सब्स्टिट्यूट करके आप उसकी पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या एक एलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये हमारा क्या हो गया एक एलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। अब देखिए हमारे पास एक और है, सपोज़ ये एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है यहाँ पर एक्स साइड है इसके। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो साइड इनटू ओके साइड होता है ना, तो आप एक्स इनटू एक्स कर लेंगे, देन यू हैव एक्स स्क्वायर, ओके सो यहाँ पे जो भी आप यूनिट यूज़ कर रहे हो वो यूनिट हो जाएगा। सो इन दिस केस व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर, दिस इज एक्स स्क्वायर इज, ये भी जो है वो एक क्या है, एक एलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्या है एक एलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। सो और यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद अदर एलजेब्राइक एक्सप्रेशन लाइक, आप ये सब भी देखे होंगे या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x भी देखे होंगे, सम क्यूब में भी देखे होंगे लाइक एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वट प्लस 4x प्लस 7 और एक्सेट्रा कुछ ऐसा देखे होंगे। तो यहाँ पे होता है क्या, नोट दैट ऑल द एलजेब्राइक एक्सप्रेशन वी हैव कंसिडर्ड सो फार, जो कुछ भी हमने ये कंसिडर किए हैं सो फार, हैव ओनली होल नंबर्स एज द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल। क्या हमने देखा कि हैव ओनली होल नंबर एज द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल, हैव ओनली होल नंबर एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, हैव ओनली होल नंबर एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है उस x का पावर क्या है 1 है, यहाँ पर जो वेरिएबल है x के पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x के पावर 1 है, यहाँ पे x के पावर 1 है, यहाँ पे x के पावर 2, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, x टू द पावर ऑफ 1 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, ये x टू द पावर ऑफ क्यू है। मीन्स कहीं पे भी जहाँ पे भी देखा आपने होल नंबर ही आपको एक्सपोनेंट मतलब x टू द पावर जो भी है यहाँ पे वो क्या है होल नंबर है। सो x के पावर जो भी है वो होल नंबर ही है। सो एलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में जो भी होता है एक्सपोनेंट वो केवल एक होल नंबर, एक्सप्रेशंस ऑफ दिस फॉर्म आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ओके। और इसमें देखिए, एक मिनट मैं इसको ज़रा रब कर देता हूँ, ये साइज़ बढ़ा देता हूँ, एक्सप्रेशंस ऑफ दिस फॉर्म्स, ठीक है। सो ये जितने भी एक्सप्रेशंस है, एक्सप्रेशंस ऑफ दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड पॉलीनोमियल्स इन वन वेरिएबल, पॉलीनोमियल्स इन वन वेरिएबल,
ये वन वेरिएबल जो भी पीछे का पढ़ रहे हैं उसे आप भूलने की कोशिश ना करें, कंटिन्यूटी बनाए रखें। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें कितने वेरिएबल यूज किया है, ओनली ओनली एक्स यूज किया है। क्या किया है? ओनली एक्स। कोई वाई यूज किया है? नहीं। जेड यूज किया है? नहीं। या तो कांस्टेंट है, एक है, फोर है, सेवन है, या फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक है। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ हमने एक वेरिएबल यूज किया है। दैट इज़ वाई व्हाट आई एम सेइंग, ओके, एक्सप्रेशंस ऑफ दिस फॉर्म्स आर कॉल्ड एज द पॉलीनोमियल्स इन वन वेरिएबल। सो इन द एग्जांपल्स अबव, ओके, व्हाट एवर द एग्जांपल्स आई हैव गिवन यू, ओके, लाइक सपोज यू हैव एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस फोर एक्स, ओके, और प्लस सेवन। मैंने जो भी एग्जांपल दिया है ये है पॉलीनोमियल इन एक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीनोमियल इन एक्स। इसको क्या बोलते हैं? पॉलीनोमियल। अब हम इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा। आप वीडियो को पॉज करके कंटिन्यूटी बनाए रखिए। ओके, दिस इज़ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सेवन, इट इज़ पॉलीनोमियल इन एक्स। ओके, वैसे ही अगर मैं टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस अगर फाइव लिखता हूँ, देन दिस इज़ ओके पॉलीनोमियल इन टी। अगर मैं वाई क्यू माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई प्लस सिक्स अगर लिखता हूँ, तो ये क्या है? एक मिनट, तो ये क्या है? पॉलीनोमियल इन विच वेरिएबल? वाई। सो ये जो भी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक्स, ये टी, ये वाई। सो एक्स टी एंड वाई दीज आर व्हाट? वेरिएबल्स। दीज आर व्हाट? दीज आर वेरिएबल्स। सो दिस पॉलीनोमियल इज इन ओके एक्स, दिस टी स्क्वायर, दिस पॉलीनोमियल इन टी, एंड दिस इक्वेशन पॉलीनोमियल इन वाई। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ पॉलीनोमियल्स। क्या पढ़ेंगे हम? टर्म्स ऑफ पॉलीनोमियल, टर्म्स ऑफ पॉलीनोमियल। अब देखिए, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ओके एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस अगर फाइव है, तो इसमें कितने टर्म्स है? ओके, इसमें टर्म्स कौन कौन से होंगे? इसमें टर्म्स होंगे एक एक्स, सॉरी, एक एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक टू एक्स होगा, फिर एक फाइव होगा। ये तीनों टर्म्स है। क्या है ये तीनों? तीनों ही ओके टर्म्स है, तीनों ही टर्म्स। अगर आपके पास एक इक्वेशन है फाइव टू एक्स प्लस फाइव, तो ये भी एक टर्म है, और फाइव इज ऑल्सो अ टर्म। ओके, सिमिलरली, तो अगर आपके पास कोई एक थ्री वाई स्क्वायर ओके प्लस फाइव वाई प्लस सेवन है, तो इसमें आपको कितने टर्म है? ये भी एक टर्म है। अगेन फाइव वाई इज ऑल्सो अ टर्म एंड सेवन इज ऑल्सो अ टर्म। सो दिस पॉलीनोमियल हैज़ ओके सो दिस पॉलीनोमियल हैज़ हाउ मेनी टर्म? थ्री टर्म्स। ओके, दिस पॉलीनोमियल हैज़ कितने, हाउ मेनी टर्म्स? टू टर्म्स। यहाँ पे कितने हैं? थ्री टर्म्स है। तो ये, डिड यू गॉट द डिफरेंस ऑफ ओके व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म्स? ओके, एक इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होते हैं वो वही बोलते हैं। अब देखिए, ईच टर्म ऑफ ए पॉलीनोमियल हैज़ ए कोएफिशिएंट। ओके, कोएफिशिएंट व्हाट of okay term in polynomials, polynomials में अगर कोई term है तो उसका coefficient क्या है? Let us take some example, okay, minus x cube plus 4x square, एक मिनट, plus 4x square plus 7x minus 2, suppose you have this polynomial here, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस वन है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? प्लस फोर है। सिमिलरली यू हैव एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? प्लस सेवन है। सो दिस इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इन अ पॉलीनोमियल। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ ओके
टू हियर माइनस टू, ओके माइनस टू इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ जीरो। अगर देखिए कुछ किसी भी संख्या के पावर अगर जीरो लगता है तो वो वन हो जाता है, सिमिलरली वेरिएबल्स के पावर भी जीरो होता है तो वो भी एक वन होता है। तो यहाँ पे जो है ये वो हिडन है क्या, माइनस टू इंटू एक्स टू द पावर ऑफ जीरो। ये देखिए ये सॉरी हाँ ओके यहाँ पे एक्स टू द पावर ऑफ वन है, एक्स टू द पावर ऑफ टू है, एक्स टू द पावर ऑफ थ्री है, ये जो है वो एक्स टू द पावर ऑफ जीरो है, तो ये हिडन रहता है क्योंकि इसकी वैल्यू वन होती है, वन इंटू टू दैट गिव्स यू टू। सो एक्स टू द पावर ऑफ जीरो की कोएफिशिएंट क्या है, माइनस टू। नाउ यू गॉट इट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हियर माइनस टू, सो दैट इज़ द माइनस टू इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स टू द पावर ऑफ जीरो। एज यू नो दैट एक्स टू द पावर ऑफ जीरो इक्वल टू वन, आई थिंक दिस यू हैव ऑलरेडी रेड इन प्रीवियस क्लासेस। नाउ टेल मी डू यू नो द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन, अगर मैं आपको दे दूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सेवन में, अगर ये इक्वेशन है तो व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स की कोएफिशिएंट क्या है, वो माइनस वन है। ये चीज़ आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली सब इरेज करता हूँ, टर्म्स पढ़ लिया आपने, नाउ वी विल सी व्हाट। ओके देखिए एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं टू, ओके टू ले लेते हैं। तो टू क्या है, एक पॉलीनोमियल है, टू इज आल्सो, एक मिनट, टू इज आल्सो अ पॉलीनोमियल्स, टू इज ऑल्सो अ पॉलीनोमियल। अगर देखिए चाहे टू ले ले या फिर कोई भी एक संख्या ले ले, ये सब क्या है, एक्सेट्रा, सो मेनी नंबर्स आर देयर, ओके दे आर ऑल अ पॉलीनोमियल, वो भी एक पॉलीनोमियल हो सकता है। और ये कैसे पॉलीनोमियल, कांस्टेंट पॉलीनोमियल इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कांस्टेंट पॉलीनोमियल्स, इसको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट पॉलीनोमियल्स, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कांस्टेंट पॉलीनोमियल्स, द कांस्टेंट पॉलीनोमियल जीरो। अब देखो अब तो हो गया दो तक, देखिए अब जीरो के बारे में सोचते हैं कि जीरो क्या क्या होता है कहानी, व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ जीरो हियर। तो जीरो द कांस्टेंट पॉलीनोमियल जीरो, ओके इज कॉल्ड एज व्हाट, जीरो पॉलीनोमियल, जीरो पॉलीनो, ओके पॉलीनोमियल, दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये जो जीरो पॉलीनोमियल होता है वो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, ओके एक रोल प्ले करता है इन कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉलीनोमियल्स, ओके दैट वी विल सी इन द हायर क्लासेस। बट नाउ अभी तक के लिए हमने आपको एक चीज़ बताया कि ओके जितने भी संख्या होती है, सॉरी पॉलीनोमियल अगर इक्वेशन है, ओके टू एक्स स्क्वायर थ्री एक्स प्लस टू, तो इसमें जो वेरिएबल है उसके एक्सपोनेंट में क्या है, होल नंबर है, ओके देन ओनली वी कैन से दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द पॉलीनोमियल एग्जांपल। बट नाउ इफ यू हैव इक्वेशन लाइक अंडर रूट एक्स प्लस थ्री, या फिर आपके पास कोई एक ऐसा इक्वेशन है लाइक एक्स प्लस वन बाई एक्स, या फिर और कोई एग्जांपल ले लो, ओके क्यूब रूट ऑफ वाई, ओके ये क्यूब रूट है, और वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स टू द पावर ऑफ वन है ना, ओके यहाँ पे देखिए एक्स प्लस एक्स टू द पावर ऑफ माइनस वन है ना, ये देखिए वाई टू द पावर ऑफ सॉरी वन बाई थ्री है ना, ओके इजंट इट। तो दिस हियर इस x के ऊपर होल नंबर नहीं है, वो क्या है, वो एक फ्रैक्शन है। सो दिस इज नॉट व्हाट अ पॉलीनोमियल, नॉट पॉलीनोमियल, ये पॉलीनोमियल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे x टू द पावर ऑफ माइनस वन है, सो बट होल नंबर नहीं है, हेंस दिस इज आल्सो नॉट अ पॉलीनोमियल, ये भी पॉलीनोमियल के एग्जांपल नहीं है। अगेन वन बाई थ्री इज आल्सो नॉट अ होल नंबर, तो ये भी नॉट अ पॉलीनोमियल में आ जाएगा। नाउ यू अंडरस्टूड कि पॉलीनोमियल में क्या कंसीडर कर, ओके रूट रूट एक्स ये भी नहीं है, लेकिन
अंडर रूट टू एक्स क्या ये पॉलिनोमियल है? ऑब्वियसली है ये, यस इट इज़ ओके पॉलिनोमियल, क्योंकि एक्स टू द पावर ऑफ वन है, वन इज़ ए व्हाट होल नंबर, सो वन इज़ ए होल नंबर, सो बट दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे रूट इन टू एक्स टू द पावर ऑफ वन बाई टू है, यू गॉट इट। चलिए अच्छा ये चीज़ आपको मालूम है कि ये अगर ऐसे लिखा रहता तो इसमें क्या छिपा हिडन है, टू, लेकिन अगर ऐसे में लिख दिया इसको क्या कहते हैं, टू टू द पावर ऑफ वन बाई टू, इसको क्या कहते हैं, थ्री टू द पावर ऑफ वन बाई थ्री। अगर हम एक्स टू द पावर ऑफ माइनस वन अगर कर देते हैं या फिर फोर टू द पावर ऑफ माइनस वन, तो ये जो होता है वो वन बाई एक्स हो जाता है, वन बाई फोर हो जाएगा, यू गॉट इट। ये सब आपको मैथमेटिक्स में प्राइम बेसिक क्लास एक सेवेंथ एट्थ की ये सब चीज़ें हैं वो आपको आना चाहिए। नाउ यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन द विच कैन बी ओ किसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं और किसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। ओके सपोज लेट अस टेक सम ओके इफ अ पॉलिनोमियल ओके हैज वेरिएबल एक्स, क्या है x है, तो हम इसको क्या कहते हैं, p ऑफ x, और उसमें अगर आपके पास कुछ ऐसा है लाइक 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, अगर आपके पास वेरिएबल क्या है, वेरिएबल अगर आपके पास y है तो यही आप इसको p ऑफ y ऐसे मान लेंगे लाइक y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस y प्लस 1। If suppose you have the polynomial like u, so this may be g of u equal to, आप इसको ऐसे consider करना है। You understood what I am doing? Okay, 6 u cube. So अगर एक polynomial है, suppose this is a polynomial, then p of x हम इसको बोलेंगे, वैसे ही हम इसको p of y बोलते हैं, वैसे ही हम इसको p of u बोलेंगे या फिर g of u, ये सब फंक्शन है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज, f of x भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम उसको ओके न्यूमरेशन मतलब उसका हम बोलेंगे। अ पॉलिनोमियल कैन हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, फॉर एग्जांपल एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होता है पॉलिनोमियल्स में, लाइक आपके पास x टू द पावर ऑफ 150 है, फिर x टू द पावर ऑफ 149 है, एंड ऐसे अगर जाते जाते आपके पास x स्क्वायर आ गया, x आ गया और आपके पास 1 आ गया, मतलब यहाँ पे ये देखिए 1 आ गया, तो मतलब यहाँ से लेके ये हो गया 150 टर्म्स और ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया इसमें, 151 टर्म्स है, यू गॉट इट। तो ये है उसमें इसका, अगर कंसीडर करिए आपकी पॉलिनोमियल अगर आपके पास 2x है, 2 है, फिर आपके पास 5x क्यूब है, माइनस 5x स्क्वायर है, या फिर y है, या फिर u टू द पावर ऑफ 4 है, ओके सो ये है आपके पास पॉलिनोमियल। डू यू सी दैट ईच ऑफ दिस पॉलिनोमियल हैज़ ओनली वन टर्म, ओके इसमें भी वन टर्म है, 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 ओके ओनली वन टर्म, ओके वन टर्म। तो इस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं, मोनो ओके मोनोमियल्स, क्या बोलते हैं इसको, मोनोमियल्स, मोनोमियल्स क्या बोलते हैं, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, मोनोमियल्स क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स, ओके द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ओके पॉलिनोमियल विच हैविंग ओके ओनली वन टर्म, ओके दैट गिव्स यू ओके उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स। और अगर आपके पास ओके दो टर्म हैं, ओके ओके लाइक पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली टू टर्म, अगर ओनली टू टर्म है आपके पास, सो दोज पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड एज बाइनोमियल्स, व्हाट इज दस बाइनोमियल्स,
एग्जांपल्स अगर दिखला दूँ आपको, तो इसमें कैसा एग्जांपल्स, छोटा सा है, सिंपल सा है, x प्लस वन हो सकता है या फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो सकता है और y टू द पावर ऑफ ओके 9 प्लस 1। लेकिन आप रिमेंबर करिए, मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, x x है, इसमें अगर y है तो सिर्फ y ही है, ओके, आई एम नॉट यूजिंग टू वेरिएबल्स, ये दैट वो रिमेंबर करना आप लोग। सो अभी आपको ये डिफरेंसेस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोनोमियल्स क्या होता है, फिर बाइनोमियल्स क्या होता है, और वैसे ही आपके पास कुछ और टर्म्स है यहाँ पे, लाइक ओके ट्राइनोमियल्स भी आता है आपके पास, ट्राइनोमियल्स मतलब आपके पास ओनली थ्री टर्म्स अगर रहे, ओनली थ्री टर्म्स रहे, दोस पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड एज ओके ट्राइनोमियल्स। अगर मैं इसमें एग्जांपल देखूँ तो लाइक रूट टू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, इसमें कितने टर्म है, तीन टर्म है, ये और ये टर्म बदलाया था ना कि क्या होता है, अगर ये टी ऑफ वाई है, अगर ये टी ऑफ वाई है तो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा होगा, वाई होगा। सो ये वाई फोर प्लस वाई प्लस फाइव, सपोज आई हैव दिस पॉलिनोमियल थ्री टर्म्स है, सो दिस इज ट्राइनोमियल। Now look some polynomials like we have, okay, I will change the color here first. अगर आपके पास अगर p of x equal to you have 3x to the power of 7 minus 4x to the power of 6 okay plus x plus 9, अगर कुछ आपके पास p of x है, okay, what is the term with the highest power, okay, what is the term ओके विथ हाईएस्ट पावर किस टर्म का है इसमें, ये माइनस फोर एक्स टू द पावर ऑफ सिक्स ही है और ये थ्री एक्स टू द पावर ऑफ सेवन है, तो ये क्या हो गया, वो टर्म हो गया विच आई वॉज सपोज टू आस्क यू। सो एक्सपोनेंट कितना है यहाँ पे, एक्सपोनेंट कितना है, सेवन है, ओके सिमिलरली अगर कोई एक और एग्जांपल, ओके मैं अभी आपको ये ऊपर का पार्ट जो है वो मैं रब कर देता हूँ, ओके ऊपर का पार्ट मैंने रब कर दिया। नाउ लेट अस टेक सम अदर कलर एंड टेक सम अदर एग्जांपल लाइक क्यू ऑफ वाई, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5y to the power of 6 माइनस 4y² एंड माइनस 6, देन हाईएस्ट ओके हाईएस्ट एक्सपोनेंट वैल्यू का जो टर्म है वो कौन सा है, यहाँ पे 5y to the power of 6 है, ओके सो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, वी कॉल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या हम पढ़ना चाह रहे हैं कि डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल उसको बोलेंगे, किसको, हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट, ओके हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल दैट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर इसका हाईएस्ट पावर 6 है तो इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगर इसका हाईएस्ट पावर 7 है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, वो 7 हो जाएगा। यू गॉट इट, यस। लेट अस टेक फाइंड द डिग्री, अगर मैं आपको एक x टू द पावर ऑफ माइनस 5 x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 3 देता हूँ, इस पॉलिनोमियल, दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ इन x, दिस पॉलिनोमियल इन x, कौन सा वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, x, ये तो याद है ना आपको कि भूल गए, ओके सो बिकॉज वी आर यूजिंग द वेरिएबल x, सो दिस पॉलिनोमियल इज इन x, वेरी इन द वेरी स्टार्टिंग आई टोल्ड यू, लेकिन इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर कितना है, 5 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका डिग्री। अब बताइए अगर मैं लिख दो 2, ये एक पॉलिनोमियल है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मैंने बताया था ना कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है,
तो अब इसका डिग्री आपको बताना है. ओके, द ओनली टर्म हियर इज टू एंड विच कैन बी रिटन एज टू इंटू, ओके, टू इंटू एक्स टू द पावर ऑफ जीरो. मैंने बताया था कि आप इसको ऐसे कर सकते हो. तो x टू द पावर ऑफ एक्सपोनेंट कितना है, जीरो है, तो जीरो हो गया क्या इसका. ओके, द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज द जीरो, तो ये जीरो डिग्री हो गया. क्या हो गया, जीरो डिग्री हो गया उसका. तो यहाँ पे देखिए, कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है, पॉलिनोमियल जो होता है उसका डिग्री क्या होती है, ओके, डिग्री क्या होता है, जीरो. नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैव अ डिग्री, जीरो डिग्री. ओके, सिंपली वी कैन से द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो. ओके, आप इसको आप नोट इट डाउन कर लो. ये जो मैंने लिखा है, ये मैं बार बार पूछूंगा कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, व्हाट इज डिग्री ऑफ नॉन जीरो, ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल. जी, नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब मान लो टू लेते हैं, तो टू को हम ऐसे लिखते हैं, तो एक्स टू द पावर ऑफ जीरो है, तो पावर कितना है, जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा इसका डिग्री. ओके ओके स्टूडेंट्स, इफ आई से, और अगर इफ आई एम राइटिंग पी ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट, फोर एक्स प्लस फाइव, ओके, और क्यू ऑफ वाई, दिस पॉलिनोमियल इज़ इन वेरिएबल y, तो यहाँ पे अगर 2y कर दो, या फिर मेरे पास एक r ऑफ t, मतलब ये पॉलिनोमियल वो t में है, मतलब क्या होगा, t प्लस रूट टी. ओके, सो अगर ये दीज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स वी हैव, इन तीनों में आपने एक क्या चीज़ ऑब्जर्व करा, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे जो वेरिएबल उसका पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे जो वेरिएबल उसका पावर क्या है, 1 है, मतलब इसकी डिग्री क्या है, ओके, 1 है. इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री भी क्या है, 1 है, या फिर इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री भी 1 है. मतलब इन ऐसे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 रहता है, सच पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड एज लीनियर, व्हाट इज दैट, लीनियर पॉलिनोमियल्स, सच पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल. और मैं डिफिनीशन के रूप में लिख दूँ तो अ पॉलिनोमियल, ऐसे अ पॉलिनोमियल, ओके, ऑफ डिग्री 1, ओके, इज कॉल्ड व्हाट, अ लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, ऐसे हम लिख सकते हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल, अभी आपको समझ में आया कि लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है. यस, ओके, दैट यू शुड नो वेरी मच, इट इज़ वेरी मच नेसेसरी. ओके, सम मोर लीनियर पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल अगर आपको मैं बताऊँ, अगर लीनियर पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल, ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ. फॉर और एग्जांपल, जैसे देख लो, टू एक्स माइनस 1, इसकी डिग्री क्या है, 1 ही है, डिग्री क्या है, 1 ही है, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल x है, तो हाईएस्ट पावर 1 है, तो ऑब्वियसली डिग्री भी 1 हो जाएगा. अगर रूट टू इंटू वाई प्लस 1 है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो है, डिग्री क्या है, डिग्री भी 1 है, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया. यू गॉट इट. ओके, सम अगर ट्राई एंड फाइंड सम अदर लीनियर पॉलिनोमियल इन x विथ 3 टर्म्स, आप ऐसे लिखो प्लीज़, आप ऐसे ट्राई करो. ओके, नाउ आई एम चेकिंग यू, यू वुड नॉट बी एबल टू फाइंड इट बिकॉज लीनियर पॉलिनोमियल इन x कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्म्स. ओके, यहाँ पे एक मैं नोट लिखता हूँ,
लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल्स, ओके लीनियर पॉलिनोमियल व्हाट इन एक्स विल, लीनियर पॉलिनोमियल इन एक्स और इन एनी वेरिएबल इन एक्स कैन, ओके एच ए वी कैन हैव एट मोस्ट हाउ मैनी टू टू टर्म्स। ये देखिए लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने टर्म उसमें हो सकते हैं, दो टर्म हो सकते हैं। मतलब आपको लीनियर पॉलिनोमियल मतलब आपको डिग्री कितना रखना है, डिग्री कितना रखना है वन, तो मतलब आपको एक्स जो वेरिएबल होगा वो वन होगा। अब ये ऐसे हो सकता है ओके, और एक कांस्टेंट टर्म हो सकता है ये हो सकता है, या फिर 5x प्लस 2 हो सकता है, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है। अगर आप बोलेंगे कि सर 5x प्लस 4x माइनस 2 नहीं हो सकता है, तो ये आप ऐड नहीं करोगे ओके। 9x माइनस 2 तो अगेन ये टू टर्म ही हो गया ओके। 2x सिंगल टर्म में ये हो सकता है, तो एट मोस्ट इसीलिए मैं लिखा हूँ कि मैक्सिमम दो होता है, दो से कम होता है। लीनियर पॉलिनोमियल में जो टर्म्स होते हैं वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, दो या फिर एक भी हो सकता है। सो वही बोला लीनियर पॉलिनोमियल्स, वंस अगेन आई एम राइटिंग यू ओके, यहाँ पे लीनियर पॉली ओके नोमियल ओके, एक मिनट पॉलिनोमियल्स can have at most how many terms, two terms okay, at most मैं लिखा हूँ, not at least, at most मैं लिखा हूँ, मतलब maximum आपके पास दो term ही हो सकते हैं। so hence any linear polynomial in x will be of the form like ए एक्स प्लस बी, इसी फॉर्म में जब भी वो होगा तो होगा, जहाँ पे ये जो है ए और बी जो है वो क्या है, कांस्टेंट होते हैं, और दिस ए जो होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है ओके। आप यू कैन आस्क मी ए क्वेश्चन, सर ये ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होता है? अब आप ही देख लो, अगर आप ए इक्वल टू जीरो लिख दोगे तो ये एक्स जो है वो जीरो ये हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, बी तो बी सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसमें वेरिएबल ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक टू हो गया, तो ये क्या हो गया, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, तो ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में टर्म में चले जाएगा। दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू टर्म्स। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री जो होती है वो कितनी होती है, वन होती है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल एंड कैन हैव एट मोस्ट टू टर्म्स ओके। देखिए फिर से मैं इसको क्लियरली आपको वंस अगेन मैं बता रहा हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल ओके डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। टर्म कितना होना चाहिए, टर्म कितना होना चाहिए, एट मोस्ट ओके टू होना चाहिए। ये सब लॉजिक है, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो ये टर्म आप खुद से ही बोल दोगे कि हाँ टर्म कितना, एट मोस्ट टू होना चाहिए। अब डिग्री देख लो, अगर कोई वेरिएबल एक्स है इससे एक लीनियर पॉलिनोमियल बना दो, टू एक्स और एक थ्री ले लो, तो ये हो गया। अब इसमें एक्स की वैल्यू क्या है, वन है, मतलब इसकी डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, वन है, तो मतलब ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसमें कितने टर्म हो गए, ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, तो मतलब यू हैव टू टर्म्स ओके। लेकिन ये भी तो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें भी डिग्री वन है, तो यहाँ पे एक टर्म है, मतलब दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, टू से ज़्यादा नहीं होगा। दैट इज़ व्हाई आई एम राइटिंग अगेन एंड अगेन हियर, एट मोस्ट टू टर्म्स शुड बी देयर इन द लीनियर पॉलिनोमियल ना। आई थिंक आपको बार बार समझाने से समझ में तो कुछ जरूर ही आया होगा ओके। नाउ कंसिडर सम पॉलिनोमियल्स, अगर मैं आपको दे दूँ, ये देखिए कुछ आप पॉलिनोमियल मैं आपको देता हूँ ओके, प्लस थ्री एक्स प्लस सम फोर,
ओके और मैं देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2/5x। ये तीन पॉलिनोमियल है यहाँ पे आपके आंखों के सामने। नाउ व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, डू यू अग्री दैट दे आर ऑल ऑफ डिग्री 2। यहाँ पे डिग्री कितना है आप ही बता दो, डिग्री कितना है 2 है, इसमें डिग्री कितना है ओके 2 है। क्यों, क्योंकि इसमें क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है एक्स के पावर 2 है। यहाँ पे वेरिएबल जो है वो एक्स है, उसका हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मतलब हाईएस्ट पावर ही डिग्री होता है तो 2 है। तो यहाँ पे भी डिग्री कितना है यहाँ पे ओके 2 है। मतलब अ पॉलिनोमियल विच इज़ हैविंग डिग्री 2, सच पॉलिनोमियल कॉल्ड एज व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज दैट, क्वाड्रेटिक ओके पॉलिनोमियल। अब हम आगे क्वाड्रेटिक पे पॉलिनोमियल, ये जो क्वाड्रेट होता है, जो द वर्ड आया आपके पास क्या चीज़ क्वाड्रेट, ये इसका कुछ मीनिंग है ओके दैट आई विल टेल यू लेटर ओके। बट अभी के लिए आप ये समझ लो, आप ये क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है, मतलब एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स के स्क्वायर ओके। आप ये मत समझना कि ये क्वाड्रेट मतलब 4 है, नहीं ऐसा नहीं है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर x में अगर कोई क्वाड्रेटिक अगर है तो उसका फॉर्म क्या हो जाएगा, ए सॉरी यहाँ पे ये ऐसे नहीं होगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। और इसमें जब ये डिग्री ओके डिग्री जब आपके पास ये 2 है, मतलब आपके पास एट मोस्ट कितना हो जाएगा 3 टर्म्स ओके। क्या आपके पास 4 टर्म्स पॉसिबल है ओके क्वाड्रेटिक, सो 4 टर्म्स आपके पास पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि कैन यू राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विथ 4 डिफरेंट टर्म्स, आई थिंक नो ओके। कितना होगा एट मोस्ट, कितना होता है इसमें एट मोस्ट कितना होता है 3, वो जब वो लीनियर रहेगा तो एट मोस्ट 2, जब क्वाड्रेटिक होगा तो एट मोस्ट 3। Try to understand again and again, अगर मैं बोल रहा हूँ ओके लीनियर क्वाड्रेटिक ओके, लीनियर की डिग्री कितनी होती है, लीनियर की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है ओके 2, लीनियर में एट मोस्ट कितने टर्म्स हो सकते हैं, एट मोस्ट 2 हो सकते हैं ओके, क्वाड्रेटिक में ओके एट मोस्ट कितने टर्म हो सकते हैं, एट मोस्ट 3 हो सकते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ओके कॉन्सेप्ट। आप ये वीडियो को पॉज करके आप प्लीज़ नोट इट डाउन करिए इस पॉइंट को जो मैं अभी लिखा हूँ, लीनियर यहाँ पे क्वाड्रेटिक, लीनियर पॉलिनोमियल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये डिग्री है कितना है 1 होता है, ये डिग्री है इसका 2 होता है, इसमें टर्म्स कितने होते हैं एट मोस्ट 2 होते हैं, इसमें टर्म्स कितने होते हैं एट मोस्ट 3 होते हैं। राइट डाउन नोट डाउन दिस टेबल ओके सो दैट इट विल बी ईजी। ये कॉन्सेप्ट है, नो वन इज गोइंग टू टीच यू ओके दिस कॉन्सेप्ट सो डीपली एज आई एम टेलिंग यू ओके। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप नाउ यू आर इन द 9th क्लास ओके, जब आप ये पॉलिनोमियल समझोगे देन आपको एलजेब्रा ईजिली समझ में आ जाएगा इन द 10th क्लास में, जो भी आपको एलजेब्रा या फिर इन 9th क्लास इटसेल्फ आपको बहुत अभी डिफ़िकल्ट चैप्टर्स आने वाले हैं, देयर यू विल गेट अ गुड कमांड। अगर आपके पास ये सब बेसिक नॉलेजेस जो आपके क्लियर है, बेसिक्स आपके क्लियर अगर हो जाएंगे ओके। सिमिलरली यू हैव क्यूबिक वर्ड पॉलिनोमियल, अब ये मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं बता देता हूँ कि डिग्री कितना रहता है इसमें ओके 3 रहता है ओके, डिग्री कितना हो जाता है इसमें 3 हो जाता है। अब डिग्री 3 हो गया, और मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ कितना ओके, सपोज 4x³, ये हो गया एक एग्जांपल हो गया, फिर एक 2x³ ओके प्लस 1, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अब एक 5x³ ओके प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी एक है, और अब देखिए 6x³ माइनस एक्स ओके
माइनस एक्स, ओके दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, क्यूबिक में है। अब देखिए 2x³ ओके प्लस 4x² एंड प्लस 6x + 7। नाउ यू टेल मी द हाईएस्ट डिग्री क्या है, सॉरी हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट क्या है, 3 है। मतलब क्या हो गया, डिग्री हमारा कितना हो गया, 3 है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया ना। तो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग। लेकिन अब इसमें एक एटमोस्ट कितने टर्म हो सकते हैं, एटमोस्ट कितने टर्म हो सकते हैं, सॉरी 4 हो सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए 4 हो सकते हैं, मैं रेड कलर करके दिखला देता हूँ। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ओके। या 4 मतलब एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, 4 हो सकते हैं या 4 से ओके कम हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक टर्म है, ये देखिए दो टर्म है, ये देखिए दो टर्म है, ये भी दो टर्म है, यहाँ पे 4 टर्म है। सो दीज आर द क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है। इसका 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 हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है। सो हाईएस्ट डिग्री अगर 3 रहे, सॉरी डिग्री जब 3 रहे, तो पॉलिनोमियल जो होता है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। क्यूबिक भी मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं एक जनरल टर्म में, कि नाउ दैट यू हैव सीन व्हाट ए पॉलिनोमियल, ओके पॉलिनोमियल ऑफ ओके डिग्री 1, 2, 3, ये चीज़ आपने देख लिया। कैन यू राइट डाउन ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री एन। अब आप डिग्री एन का ओके आप एक पॉलिनोमियल लिखिए कुछ नेचुरल नंबर एन के लिए। चलिए ओके जनरल है, ये जानना ज़रूरी है। ए एन एक्स टू द पावर ऑफ एन होता है, ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर ऑफ क्या हो जाता है, एन माइनस वन प्लस सो ऑन ऐसे जाएगा। फिर ए वन एक्स और आपके पास हो जाएगा ए टू द ए जीरो, एक्स टू पावर ऑफ जीरो हो जाएगा आपका कौन सा, 1। तो इसीलिए ये, तो ये हो गया जनरल टर्म किसके लिए, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 फॉर सम नेचुरल नंबर एन। ओके ये हो गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री, हो गया आपका एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। ओके चलिए जहाँ पे ये जो ए जीरो ए वन ए टू सो ऑन ए एन जो है, ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट वैल्यूज़ है, कांस्टेंट वैल्यूज़ है। और ये कांस्टेंट वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ओके अगर ये जीरो हो जाए तो फिर ये सब टर्म्स ही जीरो हो जाएगा। चलिए ये जनरल टर्म भी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं कुछ, एक टर्म है लास्ट आज के वीडियो में, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है भाई। अब व्हाट इज़ जीरो पॉलिनोमियल इन पर्टिकुलर, अगर वो जनरल टर्म में आपके पास ए जीरो ए वन ए टू सो ऑन ए एन, अगर आपके पास ये जीरो हो गया, जो कांस्टेंट वैल्यू ऑल कांस्टेंट अगर जीरो हो गया, ऑल कांस्टेंट ओके अगर जीरो हो गया, तब आप क्या करोगे, वी गेट द जीरो पॉलिनोमियल। इन दैट केस वी गेट व्हाट, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल तब हमको मिलेगा। अब विच इज़ डिनोटेड बाय जीरो, और ये डिनोटेड बाय जीरो। ओके व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, ये मेरा आज का होमवर्क क्वेश्चन है। ओके व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, अगर कोई पॉलिनोमियल जीरो है तो उसकी डिग्री क्या होती है, ये नॉट व्हाट डिफाइंड, वो नॉट डिफाइंड होते हैं। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, इफ समबडी इज आस्किंग देन डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड।
नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. सो फार वी हैव डील्ड विद सम पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. ओके, अब ये आई थिंक वीडियो के जो लेंथ है वो बहुत बिगर हो रहा है. वीडियो को पॉज करिए, अगेन एंड अगेन प्ले करिए, और अभी तक के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्लीज़ ट्राई टू गेट इट. अब ये क्योंकि जो पॉलिनोमियल आपका चैप्टर है, ओके द चैप्टर, ओके यू हैव दैट दैट इज पॉलिनोमियल, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू डीलिंग विद द एलजेब्रा, ओके, ऑफ द नाइन्थ क्लास, ऑफ द टेंथ क्लास एंड इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ. जब आपको ये बेसिक आपको समझ में नहीं आएगा, ओके आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, बेसिक इफ़ यू आर नॉट गेटिंग वॉट इज़ पॉलिनोमियल, ओके वॉट इज जीरो पॉलिनोमियल, वॉट इज नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, वॉट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वॉट इज लीनियर पॉलिनोमियल, वॉट इज मोनोमियल, वॉट इज बाइनोमियल, वॉट इज ट्राइनोमियल, वॉट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वॉट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वॉट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर. आप वीडियो को पॉज करिए, प्ले करिए अगेन एंड अगेन. एंड अभी थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में.